वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बिना घी बिना मिल्क पाउडर से अच्छी और सस्ती से सस्ती शबे बारात की स्पेशल मिठाई कैसे बनाएं आसान तरीके से, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सूखे नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, फिर मैंने मिक्सर में डालकर एक सेकेंड के लिए चलाया, फिर बंद कर दिया। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो इसमें से ऑयल फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपको बस इतना चलाना है कि बारीक हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह नारियल को बारीक करना है। या कढ़ाई में एक कप दूध डालकर उसको बॉयल कर लेंगे। आप अगर सूखे नारियल को बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, अगर मार्केट वाले बुरादे का बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। इस तरह आप ज़रूर बनाइएगा और इसका टेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूध बॉयल हो जाने के बाद मैंने एक कप सूखे नारियल का बुरादा डालकर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें सेकेंड कप भी डाल दिया है, फिर उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाफ कप दूध डालकर 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, जितना आसान बनाना है उतना ही टेस्टी खाने में भी है। फिर मैंने इसमें हाफ कप चीनी का पाउडर डाला है, आप चाहें तो इसमें साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा। फिर मैंने इसमें 1 कप मावा डाल दिया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है। इसको जमने की कंसिस्टेंसी तक हमें पकाना है। मैंने इसमें मावा डालकर 10 मिनट तक पकाया है, फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर हमारा मिठाई इकट्ठा होने लगे तो समझिए हमारा मिठाई तैयार हो गया है, जमने की कंसिस्टेंसी में हो चुका है। फिर मैंने ट्रे में डाल दिया है, आप चाहें तो स्पैचुला या स्पून से सेट कर सकते हैं। चारों तरफ से स्पून से या स्पैचुला से आप सेट कर लें। आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से सेट कर दिया है। आप चाहें तो चांदी का वरक या फिर ड्राई फ्रूट्स, आपको जो पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। फिर मैंने 1 घंटे मिठाई को फ्रीज में सेट करने के लिए रख दिया था। फिर इसको 1 घंटे के बाद निकालने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर में कट करना हो तो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में कट करना हो तो रेक्टेंगल में। देख सकते हैं कि सूखे नारियल का मिठाई कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।